लगातार बदलते वक्त के कारण आज आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, जिसका सबसे प्रमुख कारण मोबाइल है। ये मोबाइल आपके लिए सुविधाजनक तो है ही, कहीं ना कहीं आपके लिए ये हानिकारक भी साबित होगा। एक्सपर्ट की माने तो ये कभी कभी जानलेवा भी साबित होता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही ये वर्तमान का एक बहुत बड़ा सवाल आपने जो है किया है, जो वर्तमान में देखा जा रहा है अमूमन लोगों में। बच्चे आजकल, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, कोई भी हो, आजकल देखा है कि मोबाइल के इतने आदि हो गए हैं, मोबाइल के इतने बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं कि वो अपनी दिनचर्या में 24 घंटे जो है वो मोबाइल से ही लगे रहते हैं, मोबाइल को चलाते रहते हैं। मेरा उन सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को मेरा यही सुझाव है कि वो ठीक है मोबाइल अपना यूज करें, मोबाइल चलाएं, मोबाइल का प्रयोग करें, लेकिन भोजन, कम से कम भोजन करते समय मोबाइल को अलग रख दें उठा करके। जो इस समय ट्रेंड चल रहा है, आजकल के बच्चे बड़े भी खाना खा रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, देख रहे हैं मोबाइल, तो ये बहुत ही गलत है। इसमें क्या है कि इसमें जब हम भोजन करते हैं, हमारी परंपरा रही, कल्चर रही है, बहुत पुरानी कल्चर रही, लोग भोजन करते थे, अपना एकांत में करते थे और पीठ घुमा करके पीछे करते थे कि हाँ कोई देखे ना भोजन। इसके पीछे कारण यही था कि हमारा ध्यान केवल भोजन की तरफ रहे, एकाग्र रहे। भोजन करते समय हमारा कहीं ध्यान बटना नहीं चाहिए, क्योंकि ध्यान बटने से क्या होगा, जैसा कि मोबाइल देखने में हो रहा है, हमारा, हम खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान मोबाइल में भी है। तो एक ध्यान मतलब खाने में है और ध्यान मोबाइल में भी है, डायवर्जन उधर भी है। ऐसे में क्या होगा कि भोजन करते समय जो हमारा भोजन, जो भोजन का ग्रास हमारे मुंह के अंदर जब जा रहा है और जाने के बाद हम उसको मैस्टिकेट कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा जो भोजन नली में जा रहा है, तो भोजन नली में जाने से पहले भोजन नली के ऊपर एक ग्लाटिस और इपिग्लाटिस, दो ढक्कन होते हैं, एक भोजन नली का होता है, एक सांस नली का होता है। तो होता क्या है कि जब ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इसका होता है, ये ब्रेन जो उनको डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है उसको, ब्रेन उसके सिस्टम को, तो उसमें अगर ध्यान हमारा एक तरफ ही है, दूसरी तरफ है, अगर उसको प्रॉपर सूचना नहीं मिली ब्रेन से कि हाँ आप जैसे भोजन के बाद में, भोजन हमारा अंदर जो है, भोजन नली से वो जो भोजन अंदर जाना है, खा रहे हैं, तो वो एक ढक्कन बंद कर देते हैं वो वाला, तो उससे भोजन भोजन नली में ही जाता है, श्वास नली में नहीं जाता है। अगर हमारा ध्यान दूसरी तरफ है तो क्या होगा, ऐसे में जो भोजन नली का ढक्कन जो है वो खुलने के बजाय उसका सांस नली वाला ढक्कन जो है वो खुला रह सकता है, और वो खुला रहने की वजह से भोजन जो है वो भोजन नली के बजाय श्वास नली में जाने की संभावना रहती है। और अगर भोजन श्वास नली में चला गया तो इससे श्वास नली अवरुद्ध हो सकती है, और अवरुद्ध होने से व्यक्ति की जान जा सकती है, वो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। तो हमारा सुझाव यही है कि कृपया करके ऐसी स्थिति से बचें, अपने बच्चों को समझाएं, और ये मैसेज मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं, ये मैसेज जनमानस के लिए, ये मैसेज आगे इसको पहुंचाएं, इसको प्रसारित कराएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इस समय ऐसी मतलब स्थिति है, विकट स्थिति है। आजकल किसी हर घर में देखिए कि बच्चे और से लेकर के बड़े तक खाना खाते समय भी मोबाइल चलाते हैं, बहुत ही बड़ी ऐसी दुष्कर स्थिति है जो कि नहीं होनी चाहिए।